नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। सदन के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है और यह आज से लेकर 6 अप्रैल तक चलेगा। एक महीने की लंबी छुट्टी के बाद फिर से शुरू हो रहे इस सत्र में टोटल 27 बैठकें होंगी। सत्र का पहला चरण 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुआ था, जो कि 13 फरवरी तक चला, जिसमें 10 बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें 4 बार सदन को हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था। बता दें, सदन के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। वहीं आज विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकता है। बता दें, ये बजट सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र के दूसरे चरण की आज शुरुआत हो रही है। आपको बता दें, पहले चरण का 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरुआत हुई थी, जो कि 13 फरवरी तक चला, जिनमें 10 बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें 4 बार सदन को हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था। वहीं अब फिर से एक बार सदन के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है और ये 6 अप्रैल तक चलेगा। वहीं विपक्ष भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। वहीं राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान को लेकर आज हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। सदन के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। यह आज से लेकर 6 अप्रैल तक चलेगा। एक महीने की लंबी छुट्टी के बाद फिर से शुरू हो रहे इस सत्र में टोटल 27 बैठकें होंगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता सुहानी हमसे जुड़ेंगी। सुहानी, सदन के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है, क्या कुछ खास हो सकता है? बजट सत्र जो है 31 जनवरी से शुरू हुआ था, जिसमें द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण के साथ इसे शुरू किया और वही देखते हुए कार्यक्रम को इसको जिसमें 27 बैठकें की जाएगी और जहां पे 10 बैठकें हो चुकी है, इसमें 4 बार हंगामे की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। वही आज 13 फरवरी यानी आज से सोमवार से ये दूसरा चरण उसका शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि इस दूसरे बजट सत्र में सबसे पहले प्राथमिकता होगी वित्त विधेयक को पास कराना और इसमें जो होगा राज्य पूरे संसद दोनों सदनों में आपको 35 बिल जो है लंबित है। आपको बता दें, इसमें राज्यसभा में 26 और लोकसभा में 9 विधेयक जो है लंबित है। और वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष के नेता हैं, जैसे कांग्रेस हो गए और राष्ट्रीय जो आम आदमी पार्टी के तमाम जो विपक्ष हैं, वो इस बार सरकार को घेरने के लिए तैयार है। उनको चारों तरफ महंगाई से लेकर बेरोजगारी से लेकर वहीं जो चीन के मामले हैं और अडानी के लेकर ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं वो लेके आज जो विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रही है। वही आपको बता दें कि आज जो संसद भवन में जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और उस पर अपने जो राजनीतिक रणनीति होगी उस पर चर्चा करेंगे और सरकार को भी घेरने की तैयारी करेंगे। ऐसे तमाम मुद्दे जो है इस बजट सत्र में आज उठाए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो सरकार है वो अपने जो पूरे भारत में जो उन्होंने अपनी प्राथमिकता दी है, जो अपने काम के उसको भी गिनती कराएंगे और इसमें मेन मुद्दा है वो होगा वित्त विधेयक को पास कराना होगा। सुहानी, बजट सत्र के दूसरे चरण में जानकारी के मुताबिक कई महत्वपूर्ण बिल पेश हो सकते हैं, तो क्या कुछ इसमें शामिल हो सकता है? जी मयूर, आपको बता दें कि इसमें जो बिल है वो ज़्यादातर जो है भारत के आगे प्रोग्रेस बढ़ाने के लिए और इसमें होगा। वहीं आपको बता दें कि तमाम जो सरकार है, जो भाजपा सरकार है, वही राहुल गांधी के जो लंदन में जो कैम्ब्रिज जो विश्वविद्यालय में उन्होंने जो आलोचनाएँ की हैं भारत जो भाजपा सरकार के उस पर भी लेकर जो भाजपा सरकार उन पर लगातार हमलावर करती रही है और ऐसी तमाम जो वित्त विधेयक है जो वो पारित हो सकती है। तो इस तरह सरकार जो है
वो बीजेपी जो कांग्रेस में भी घेर रही है, वही दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी है वो जो मनीष सिसोदिया के जो मुद्दे हैं उससे भी लेकर उठेगी, और जो के कविता है उनके भी मुद्दे को लेकर सरकार को पूरी तरह से घेरने की तैयारी में है। और ये देखा जाए तो ये बजट सत्र एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 के जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उसके भी कहीं ना कहीं इस पर असर पड़ सकता है। तो इस तरह से भाजपा सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इस जो बजट सत्र को कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है उसके लिए, और कहीं इस पर पूरे तरह से भाजपा सरकार जोर दे रही है और इसमें तमाम जो है वो बिल पास हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष के नेता है कहीं ना कहीं सरकार को हर मुद्दे पे घेरने की तैयारी कर रही है, ज़्यादातर इस पर बेरोजगारी, महंगाई, और वहीं दूसरी तरफ जो युवाओं के लिए जो अभी तक सरकार को कहा जा रहा है कि कुछ नहीं, उसके भी मुद्दे को लेकर जोड़ा जा रहा है। ऐसी तमाम जो सूचनाएँ हैं, तमाम ऐसे जो उनकी कारणें हैं उस पर जो विपक्ष है उस पर घेर सकती है आज। सुहानी देखें तो पहले चरण में अडानी और हिडनबर्ग का मुद्दा उठा था, आज दूसरा चरण है, किस अहम मुद्दे को लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है? जी मैं आपको बता दें कि आज जो पहले चरण में अडानी और हिडनबर्ग के उन्होंने तमाम ऐसे क्वेश्चन किए, भाजपा सरकार से पूछताछ की, और आज भी उनका यही मेन मुद्दा है। जो मल्लिकार्जुन खड़गे उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार को इस पर जवाब देने होंगे कि आखिर क्या रिश्ता अडानी से है और हिडनबर्ग में आखिर ऐसा क्या हुआ था। और वही आपको बता दें कि आज पूरी तरह से बेरोजगारी, महंगाई, और जो चीन से उनका संबंध है, और तमाम जो आम आदमी पार्टी भी इनका कहना है कि तालिबान से आखिर क्या रिश्ता है, ऐसे जो विपक्ष पूरी तरह से सरकार को घेरने के लिए आज तैयार है, और वो तमाम बैठकें कर रही है, अपनी रणनीति तैयार कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे बुरी तरह से तैयार है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो विपक्ष का साफ तौर यही कहना है कि जो महंगाई, बेरोजगारी, और इनका जो चीन का संबंध है जो और तालिबान से, आखिर उस पर पूरी तरह से जवाब दें, और पूरी उनका आज पूरा मेन मुद्दा होगा कि पूरी तरह से सरकार को घेरा जाए और उससे जवाब, उनका जवाब मांगने के लिए साफ तौर से तैयार, उनका कहना है भाजपा सरकार को जवाब देनी होगी कि आखिर अडानी का क्या रिश्ता है कि उन पे ये कार्रवाई नहीं हो रही है, कि क्योंकि तमाम ऐसे नेताओं जैसे कि आप देख सकती हैं लालू यादव की ईडी की छापेमारी हो रही है, उन पे जांच चल रही है, मनीष सिसोदिया पे जांच चल रही है, के कविता उन पे जांच चल रही है, और वही मनीष कश्यप उन पे जांच चले, तो ऐसे तमाम जो है उनका एग्जाम्पल होगा और वो बताएंगे। उनका यही कहना है कि जब विपक्ष पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो सकती है तो अडानी पर क्यों नहीं, तो ऐसे तमाम जो मुद्दे है वो पूरी तरह से विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार है और उन पे ये सवाल करेगी। जी सुहानी, जैसा अभी आपने बताया कि विपक्ष पूरी तरह से तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने के लिए तैयार है, सरकार कितना तैयार है अपना पक्ष रखने के लिए? जी मैं आपको बता दें कि सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और वो अपने इस मुद्दे को पूरी तरह से बताने के लिए भी तैयार है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो हमने अभी भारत पे जो भी किया है, और वही जिसे आपको बता दें जो अनुराग ठाकुर है उनका ये कहना है कि ये पूरी तरह से भाजपा सरकार को बदनाम करने का साजिश है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मामला है जैसे मनीष सिसोदिया का हो गया कई कब तक, ये पूरी तरह से उन पर सबूत मिलने के बाद ही जाँच चलती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम विपक्ष की ही कार्रवाई करते हैं, उन पर जाँच करवाते हैं। उन्होंने साफ तौर पर यही कहना है कि अगर अडानी और उन्होंने भी गलत किया है तो उस पर भी सरकार पूरी तरह से देखेगी, सरकार एक तरफा नहीं है, वो पूरे भारत को अपने लेकर चलती है और वो एक परिवार मानती है। उसके साफ तौर पर उनका यही भी कहना है कि राहुल गांधी ने जो लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक छवि खराब कर रहे हैं, और वो उनका जो ये मंशा है कि भारत जो है पूरी तरह से लोगों को दबाती है, उन पर अत्याचार कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो सरकार भी पूरी तरह से तैयार है अपना बात रखने के लिए और अपना जवाब देने के लिए। जी धन्यवाद सुहानी तमाम जानकारियों के लिए। बता दें बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है जो 6 अप्रैल तक चलेगा, वहीं विपक्ष पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है तमाम मुद्दों को घेरने के लिए। गोरखपुर में आज रिंग रोड की आधारशिला रखी जाएगी, सीएम योगी और केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करीब 4,536 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 लेन सड़कों का शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि एनएचएआई की तरफ से आयोजित शिलान्यास समारोह रामगढ़ ताल क्षेत्र स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में किया जाएगा।
बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, वहीं कई कार्यक्रम होंगे जिसमें सीएम योगी शामिल होंगे। बता दें परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करीब 4,536 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 लेन सड़कों का शिलान्यास करेंगे। बता दें गोरखपुर को रिंग रोड की आज सौगात मिलेगी, रिंग रोड की सौगात देंगे नितिन गडकरी, जो 4,536 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 फोर लेन सड़कों का शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि NHAI की तरफ से आयोजित शिलान्यास समारोह रामगढ़ ताल क्षेत्र स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में किया जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता सुहानी हमसे जुड़ेंगी। सुहानी, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, आज उनका क्या कुछ कार्यक्रम होगा, क्या कुछ पूरा शेड्यूल होगा? जी मयूरी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आज सीएम योगी केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी विकास पथ के आधारशिला रखेंगे। और वहीं आज नितिन गडकरी जो 11 महत्वपूर्ण सड़कें और आनंद नगर में एक रेल ओवर ब्रिज का भी निर्माण करेंगे, और इसके साथ ही 6 बन चुकी सड़कों का लोकार्पण नितिन गडकरी के हाथों से होना है। वहीं नितिन गडकरी जो है 92.29 करोड़ रुपये की सौगात भी देंगे। आपको बता दें इसके जो ओवर ब्रिज का जो शिलान्यास है उससे जो गोरखपुर और नेपाल जाने वाले जो रास्ते हैं वो आसान हो जाएगी, और तमाम बाहर से आने वाले लोगों के बीच जो जाम के कारण बढ़ता था वो भी उससे भी इजाज़त मिलेगी। तो ऐसे तमाम जो है आज योगी सरकार आज वहाँ पे सौगात देने वाली है, और ये कार्यक्रम जो है विजयनाथ पार्क दोपहर 12:30 पे होने वाला है, जिसमें नितिन गडकरी और सीएम योगी उस पर वहाँ पर मौजूद रहेंगे, और ऐसे तमाम 11 महत्वपूर्ण सड़कें और आनंद नगर में एक रेल ओवर ब्रिज का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे जो सड़कें के तमाम जो परेशानियाँ झेलनी पड़ती थी आम लोगों की उससे भी मिलेगा, और गोरखपुर नेपाल की जो राहें होगी वो भी आसान हो जाएगा, जिसमें तमाम जैसे जल कौड़िया निचौल वैसे तमाम जो सड़कें हैं उसके भी आज शिलान्यास किया जाएगा, और जो चारों तरफ रिंग रोड बनाया जाएगा जिससे बाहर आने वाले जो और अंदर से प्रवेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे तमाम जो है आज शिलान्यास करेंगे योगी सरकार, और यहाँ नितिन गडकरी भी रहेंगे जो लोगों को इजाजत मिलने के लिए साफ असर दिख रहा है, और ऐसे तमाम योगी सरकार जो है आज वहाँ पे लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे और लोगों को 92.29 करोड़ का सौगात भी देंगे। सुहानी, गोरखपुर में सीएम योगी मौजूद है, नितिन गडकरी भी 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। देखा जाए कहीं ना कहीं त्योहार का माहौल भी देखने को मिल रहा है, तो सुरक्षा के कैसे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? जी मेरे, आपको बता दें कि वहाँ पे आज नितिन गडकरी भी हैं और सीएम योगी हैं, तो तमाम जो सुरक्षा की यह पूरी तरह से तैनात किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि जो गोरखपुर पुलिस है वो पूरी तरह से तैनात है योगी सरकार नितिन गडकरी को लेकर, साफ तौर पर वही कहना, वहीं राजनाथ सिंह का कहना है कि हम जो अपने लेकर हैं तो वो पूरी तरह से तैनात रहते हैं कि कोई चूक ना हो। और वहीं आजकल जो चल रहा है ये त्योहारों का जो माहौल चल रहा है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अचौक है जो गोरखपुर के जो पुलिस तैनात है, और उनका साफ तौर पर यही कहना है कोई चूक नहीं होना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि आज जो उत्तर प्रदेश में जो पूरे निकाय चुनाव होने वाली है और लोकसभा चुनाव होने उसको लेकर बीजेपी सरकार पूरी तरह से तैयार है, और उसको कहीं ना कहीं वो अपना इस मुद्दे को और महत्वपूर्ण बनाएगी, क्योंकि ये जो निकाय चुनाव है वो लोकसभा चुनाव पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये जो आपका पुलिस उनका सुरक्षा कारण है वो पूरी तरह से आज अचौक रहेगा, और पूरी सुरक्षा के साथ आज जो शिलान्यास होगा और लोकार्पण होगा, क्योंकि उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नितिन गडकरी है योगी सीएम योगी आदित्यनाथ है, तो हर बार जब भी कहीं योगी सीएम योगी आदित्यनाथ जाते हैं या तमाम ऐसे नेता जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस हमेशा तैनात रहती है और सुरक्षा में कोई चूक नहीं होता है। जी धन्यवाद सुहानी तमाम जानकारियों के लिए। बता दें गोरखपुर में आज रिंग रोड की आधारशिला रखी जाएगी। सीएम योगी और केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करीब 4,536 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 फोर लेन सड़कों का शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि NHAI की तरफ से आयोजित शिलान्यास समारोह रामगढ़ ताल क्षेत्र स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।